साढ़े तीन पेज बचा है तो करेंगे, खत्म करेंगे। चलो आ जाओ भाई, आप जल्दी से, एक रेगुलेशन नया नया आया है, उस रेगुलेशन का नाम बताओ। बोल ही नहीं रहा कोई, और चिंता मत करो, जो स्टार्ट होता है वो खत्म भी होता है। फेमा खत्म होगा और आज ही होगा, चिंता नहीं करना है, आज हम खत्म करके दिखाएंगे, है कि नहीं? तो चलो इधर देखो, बात करते करते हंसते खेलते कट जाए रास्ते, है ना? है, हंसते खेलते कट जाए रास्ते, मालूम है ना? तो देखो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसमें तुम्हें कुछ नहीं पकड़ना है। क्या वर्ड पकड़ना है? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर्स की दुनिया होती है। तो अभी भी ये शेयर्स में ही चल रहा है। अरे शेयर्स में तो चल रहा है अभी तो शेयर्स की बात कर रहे थे, तो अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक नया रेगुलेशन बन गया है। चलो उस रेगुलेशन को पढ़ना शुरू करें। तो अभी भी शेयर्स की दुनिया में चल रहे हैं। एक डेढ़ पेज के बाद डेट आ जाएगा तुम्हारा। देखो तो एक डेढ़ पेज के बाद डेट आ रहा है या अगले पेज पर डेट आ रहा है? अगले पेज पर डेट आ रहा है। तो अभी तक शेयर्स की दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं। मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग, मोड ऑफ पेमेंट, इसमें हम दो चीजें बात करेंगे। जब भी आप शेयर इशू करोगे तो उसका पेमेंट कैसे लोगे और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे? लगाओ टिक का, कौन कहां से, तो ऐसा लग रहा है कि फ्लाईओवर से गोल गोल घूम रहे हैं। एक बोला चला तो है, जा कहां रहा है? ये देखो रिपोर्टिंग पर जा रहा है, बात समझ में आ गई? अच्छा उसमें एरो नहीं था इस वजह से। तो शेयर जब भी इशू करोगे, शेयर्स को क्या बोलते हैं? नॉन डेट। क्या बोलते हैं? नॉन डेट। तो उसका पेमेंट कैसे लोगे? बोलो उसका पेमेंट कैसे लोगे और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे? ये ना कहा अभी तो पड़ा रिपोर्टिंग FCGPR, तो फिर से FCGPR आ भी तो रहा होगा, अभी नीचे देखोगे तो लिस्ट में आ जाएगा, तो घबरा क्यों रहे हो? आ गया पहला वही तो। चलो जल्दी बोलो, अगर आप नॉन डेट, नॉन डेट का मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब किसकी दुनिया? शेयर्स की दुनिया। शेयर्स की दुनिया में शेयर जब भी नॉन रेजिडेंट को इशू करोगे उसका पैसा कैसे लोगे और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे? इतना ही ना, हम सब जानते हैं। लो पैसा कैसे लोगे, मतलब झोला में भर के लोगे, बोरा में भर के लोगे या अकाउंट से लोगे? तो पैसा जाएगा कि आएगा? आएगा। तो आपको पैसा कहां से लेना है भाई? फॉरेन करेंसी अकाउंट या स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, जो इन लोगों ने अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला होगा वहीं से पैसा आएगा। तो अकाउंट टू अकाउंट पैसा आएगा। अरे कैसे आएगा? अकाउंट टू अकाउंट आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये लोग यहां आएंगे, शेयर्स खरीदेंगे, हमें पैसा देंगे, तो जब ये शेयर्स बेचना चाहेंगे तो बेच के जा सकते हैं क्या? क्यों जा नहीं सकते हैं? क्या बात करते हो यार, एकदम याद रखिएगा, जो भी सेल प्रोसीड होगा, सेल प्रोसीड का मतलब टोटल अमाउंट ऑन सेल, टोटल अमाउंट ऑन सेल। अरे जब सेल करेगा तो उनको पैसा मिलेगा ना, तो टोटल अमाउंट ऑन सेल माइनस क्या? टैक्सेस। पूरा पैसा ले जाने देता है या नेट पैसा ले जाने देता है? नेट का मतलब ग्रॉस माइनस टैक्स, ग्रॉस अमाउंट में से क्या माइनस कर दो? टैक्स माइनस कर दो, नेट अमाउंट बन जाएगा। ले जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पैसा आया था अकाउंट से तो जाएगा भी अकाउंट में। कहां लिखा हुआ जाएगा अकाउंट में? टू। अरे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड टू है, अब वहां क्या था? फ्रॉम। नहीं मिला इन लोग को। आया अकाउंट से, जाएगा अकाउंट में। आया था पूरा, जाएगा टैक्स काट के, यही ना। चलो अब बोलो अगला, बोलो। अच्छा ये सब किसके लिए था? ये इन्वेस्टमेंट कौन लोग कर रहे थे? अरे यही FII है। कौन है ये? FII, सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये। अरे सबसे बड़े इन्वेस्टर नहीं होते हैं ये, तो ये सबसे अमीर हैं। तो ये जब भी पैसा वहां से भेजेंगे अकाउंट्स के थ्रू और ले भी जाएंगे अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है ना, जो बैंक अकाउंट होता है उसी के थ्रू। अच्छा यहां वाला सेविंग बैंक अकाउंट या फॉरेन करेंसी अकाउंट? आ जाओ भाई, अब इस बार कौन पकड़ाया बताओ, बताओ इस बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन? PROI ही, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, तो वही तो तुम्हारा है PIV। पैसा कौन ले रहा है? PIV। तो क्या PIV पैसा ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं, PIV तो खूब पैसे से चलते हैं। आ जाओ इधर देखो, पहले वो पैसा कैसे ले सकते हैं इधर देखना है, ये बहुत टेक्निकल है, आसान नहीं है। मेरी तरफ देखो जल्दी, पीछे का बच्चा सब देख नहीं रहा मुझे, टिक लगाने दो, देख अब देखो इधर इधर। हाँ जी मुर्गालाल सब देखो इधर आइए। सबसे पहला
इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ये तो समझ में आया। एक तरीका है कहां से पैसा आए, बैंकिंग से आए। एक दूसरा भी तरीका इन्होंने दिया है, स्वैप ऑफ शेयर्स। अब सुनो स्वैप ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, इधर देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैं म्यूचुअल फंड हूं, मैं क्या हूं, म्यूचुअल फंड। मालूम चला भारत के बाहर का कोई फॉरेन एंटिटी मेरा यूनिट खरीदा, मेरा क्या खरीदा, यूनिट। मेरा यूनिट खरीदेगा तो उसको मुझे पैसा देना है। ऐसे भी उसका पैसा लेके मैं आगे स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, क्या पता वो कंपनी बड़ी अच्छी है, उसी के शेयर्स में पैसा लगाने वाला था, तो पैसा ना उससे लेके उसका शेयर्स ले लूं चलेगा? तुम मेरा यूनिट ले लो, मैं तुम्हारा शेयर्स ले लूं? नहीं समझ में आया लोगों, इसी को बोलते हैं स्वैप। क्या बोलते हैं, स्वैप। लिखो हिंदी में, लिखो क्या लिखोगे स्वैप का एग्जांपल, क्या लिखोगे बोलो, लिखो लिखो, इंडियन म्यूचुअल फंड ने, लिखो हिंदी में, लिखो स्वैप के, लिखो, लिखा स्वैप को गोल करके लिखा, बहुतों को तो स्वैप मिला ही नहीं है अभी तक, मिल गया स्वैप को मतलब। इंडियन म्यूचुअल फंड ने, इंडियन म्यूचुअल फंड ने यूनिट्स दिया, यूनिट्स दिया, और उसके बदले, और उसके बदले, और उसके बदले कैश लेने के बजाय, कैश लेने के बजाय, कैश लेने के बजाय फॉरेन एंटिटी का, फॉरेन एंटिटी का, अभी इंग्लिश में लिखना, फॉरेन एंटिटी का शेयर्स ले लिया, ये है ना, इसी को स्वैप बोलते हो ना, तो स्वैप भी चलेगा बोलो, यहां पे स्वैप चलेगा, यहां पे स्वैप भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर दो तरीके से पैसा ले सकते हो, बोलो, सिर्फ अकाउंट से लोगे या स्वैप भी चलेगा? बाकी अगर पैसा ये मतलब यूनिट बेच के वापस ले जाएंगे तो फिर वही बात है, नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ टैक्सेस आप ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे, अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा, कुछ नहीं था, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सब पढ़ा चुका हूं। आ जाओ भाई, जब भी शेयर्स वेयर्स की बात होती है कौन सा फॉर्म जाता है, FCGPR बता चुका हूं, दूसरा FLA भी बता चुका हूं, बताया था FLA, तीसरा FCTRS बता चुका हूं, भूल भाल गया ये लोग, ब्रेक के पहले वाले क्लास में FCTRS था। उसके बाद अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर, तो मुझे याद होगा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बाकी को तो दे सकते हैं, तो वहां कौन सा फॉर्म जाएगा, फॉर्म ESOP, कितने दिन में, 30 डेज में। उसके बाद आ जाओ DRR, याद रखना DRR तब होगा जब डिपोजिटरी रिसीट देंगे आप, क्या देंगे, डिपोजिटरी रिसीट। अब डिपोजिटरी रिसीट क्या होता है वो छोड़ दो आप, ADR GDR सुना होगा, ये सब डिपोजिटरी रिसीट होता है, ठीक है, वो शेयर्स के बदले होता है, क्या किसके बदले होता है, शेयर्स के बदले। आइए, अच्छा LLP अगर FDI ले रहा है तो LLP तो शेयर इशू करता नहीं है, अरे LLP शेयर इशू करता है, LLP पार्टनरशिप देता है, तो वहां पे कौन सा फॉर्म जाएगा, LLP 1, फॉर्म LLP 1 मिला, कितने दिन के अंदर, 30 दिन, कहां से गिनोगे, जिस दिन शेयर इशू हुआ, शेयर तो इशू होता ही नहीं है, जिस दिन पैसा मिला, कहां लिखा हुआ जिस दिन पैसा मिला। अच्छा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं तो कौन सा फॉर्म जाएगा, INVI, कितने दिन के अंदर, और INVI क्या इशू करता है, सब पढ़ाया हुआ तुम लोग, याद है INVIT पढ़े थे तुम लोग। चलो भाई, तो एक बार बताओ कौन कौन से फॉर्म्स हो गए, FCGPR, FLA, FCTRS, ESOP, DRR है, उसके बाद LLP 1, फॉर्म INVI है ना, INVI, ये ना, चलो याद रहेगा तुम लोग को। चलो भाई खत्म कहानी, कौन सा, शेयर्स की दुनिया खत्म, अब कौन सी दुनिया आ गई, डेट इंस्ट्रूमेंट। कांटो भरा ताज पहना हो तो मुझे लग रहा है 1.5 पेज बचा होगा, 2.5 पेज, ढाई है भाई, है ना, कितना है भाई, तो 2.5 है भाई, और टाइम अभी 2.5 नहीं है, इसका मतलब तुम देखना काफी पहले हो जाएगा, है ना, मतलब इतना पहले खत्म कर दूंगा कि आज ही पर के रैंक होल्डर बन जाओगे। हाँ हम लोग इसमें से कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो ऑथराइज डीलर को जाते हैं, कुछ फॉर्म्स डायरेक्टली किसको जाते हैं, RBI को, जैसे FLA फॉर्म डायरेक्टली किसको जाता है, RBI को, ज्यादातर किसको जाता है, ऑथराइज डीलर को, किसको जाता है, ऑथराइज डीलर, ठीक है।
चलो अब आ जाओ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक ध्यान से सुनो, इधर देखो, अभी तक जो तुमने पढ़ा वो सब इक्विटी था, इक्विटी शेयर, डिबेंचर भी था तो फुल्ली मैंडेटरली कंपल्सरली कन्वर्टिबल था, तो इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर भी था तो फुल्ली मैंडेटरली कंपल्सरली कन्वर्टेबल था, अब जाके थोड़ा सा प्योर डेट आया है, क्या आया है, प्योर डेट। अच्छा तुम लोग को याद है, अभी एक लैंग्वेज याद करवाता हूँ तुम लोग को, मैंने ना फेमा जब स्टार्ट किया था, अब ऐसे बोलना पड़े, फेमा जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्ट हुए भी टाइम हो गया, तो फेमा जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आया था डीलिंग एंड होल्डिंग सेक्शन 3 एंड 4, और सेक्शन 3 एंड 4 का एक बड़ा अच्छा वो होता था लैंग्वेज, सेव एज अदरवाइज, है ना, सेव एज अदरवाइज, आप एक्ट के रूल के रेगुलेशन के स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई के आप डील नहीं करेंगे, आप डील नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, यही था ना, तुम देखना अब मैं पढ़ाऊंगा ना, सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है, बस इस बार वो डीलिंग एंड होल्डिंग ना लिख के, इक्विटी ना लिख के क्या लिख देगा, डेट, क्लियर है। अब देख लो वहां भी था डीलिंग एंड होल्डिंग 3 एंड 4, यहां भी रेगुलेशन 3 एंड 4 आ रहा होगा, नहीं आया तो देखो, पर यहां पर रेगुलेशन 3 4 तो है पर अलग अलग चीजों पे है। इधर देखिए, हाँ जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई एफडीआई दे के डेट इंस्ट्रूमेंट ले सकता है हमसे, जैसे वो हमसे डिबेंचर खरीद के लेके गया, अब अलाउड है। आइए, रेगुलेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है वही लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज, सेव एज अदरवाइज, जब तक फेमा में ना बोल दिया जाए, मतलब एक्ट में ना बोल दिया जाए, जब तक रूल में ना बोल दिया जाए, जब तक रेगुलेशन में ना बोल दिया जाए, है ना। अब बोलोगे सर यहां कहां लिखा हुआ है स्पेशल परमिशन, नीचे आ जाओ, आरबीआई का तुम्हें क्या ना मिल जाए, परमिशन ना मिल जाए, तो गिनो 1 2 3 4, मिला 4, नहीं मिला 4 इन लोग को, जिसको 4 नहीं मिला जबरदस्ती ऊपर ही 4 बना रहा है, नीचे है स्पेशल परमिशन, अरे देखो यहां यहां मिला, तो जब तक ये चारों चीजें ना हो जाएं, याद रखिएगा इस बार ये किसको धमकी दे रहा है, PROI को, कि तुम भारत को FDI मत देना, नहीं समझ में आया, क्या ये लिखा हुआ देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि शैल मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, शुरू से नो होगा, देखो कहीं लिखा होगा नो, मिला, लेकिन अगर एक्ट में हिसाब से करे, रूल के हिसाब से करे, रेगुलेशन के हिसाब से करे, स्पेशल परमिशन लेके करे तो कर लेंगे। अच्छा यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट का मतलब ओनली डेट, ओनली डेट और यूनिट, डेट और यूनिट, मतलब यूनिट में भी डेट वाला यूनिट, याद रहेगा ना, अरे जब नाम है डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन तो डेट ही होगा ना, तो यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब इक्विटी या डेट, डेट, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे वही प्रोवाइजो बना के लिख दिया, एक्ट के हिसाब से करोगे, रूल के हिसाब से करोगे, रेगुलेशन के हिसाब से करोगे तो वो ठीक माना जाएगा, तो ये कौन सा नया बात बोल दिया। चलिए आगे, अच्छा एक बात बताओ, ये पहला वाला था, ये किसके लिए था, जो FDI देगा उसके ऊपर लगाया ना, और इस बार क्या है बताइए, इस बार देगा या रिसीविंग पर है, जो FDI लेगा, चलो इस बार कौन पकड़ाएगा, PROI पकड़ाएगा या PRI पकड़ाएगा, PRI, फिर वही सेम कहानी लिखे हुआ, तुम देख लो, फिर वही सेव एज अदरवाइज मिलेगा, देखो कहीं है सेव एज अदरवाइज, जब तक एक्ट में, जब तक रूल में, ले लो पहले एक्ट हो गया, फिर रूल हो गया, फिर रेगुलेशन हो गया, फिर RBI का परमिशन हो गया, 4 आ गया, तो जब तक आपका ये चारों में से कुछ ना हो जाए, आप फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके FDI लेंगे नहीं। अरे PROI को क्या बोला, तुम FDI दोगे नहीं, और इनको क्या बोला, आप FDI लेंगे नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है पहले बताइए, है ना, तो यहां पे लिखो ना, एन इंडियन एंटिटी और म्यूचुअल फंड और वेंचर, सब कौन है, PRI है ना, अरे सब PRI है ना, तो PROI को रेगुलेशन 3 में देने से मना किया है, और PRI को रेगुलेशन 4 में लेने से मना किया है, याद रहेगा, तो रेगुलेशन 3 भी हो गया और रेगुलेशन 4 भी हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये दो लिस्ट है अभी एकदम रटना पकड़ गया आपको, हेडिंग बोलो जल्दी,
चलो इधर रुको पहले, यहां ये परमिशन किसको दे रहा हूं, पी आर ओ आई को, पी आर ओ आई को, पी आर ओ आई को परमिशन दे रहा हूं, ठीक है। पी आर ओ आई दो तरीके का है, एक ए है और दूसरा नीचे बी है। ए में कौन आ रहा है, एफ पी आई, और बी में देखो तो नीचे कौन आ रहा है, एन आर आई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऐसे ऐसे टिक लगाओ, ऐसे ऐसे बनाओ जल्दी। तो क्या एक लिस्ट है कि दो लिस्ट है, दो लिस्ट है। क्या चीज के लिए परमिशन दे रहे हैं, कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट का परचेज एंड सेल कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या कर सकते हैं, परचेज एंड सेल। जरा देखो तो जो नॉर्मल एफपीआई है, पीआई तो सबसे बड़ा होता है, वही एफआईआई है ना, अरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको तो काफी अलाउ किया, एबीसीडी देखो तो कहां तक गया है, 11 हुआ, 11 लिखो, 11। अब 11 को पूरा पढ़ जाओ तो अच्छे से, ये सारे डेट का एग्जाम्पल है। डेट में तो ज्यादातर मुझे जानते हो क्या दिख रहा है, सब सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। तुमको याद है मनी मार्केट डेट मार्केट होता है ना, मनी मार्केट है, सरफेसी एक्ट वाला है, मुन्नी बॉन्ड्स है, सबसे लास्ट में जाकर देखो मुन्नी बॉन्ड्स मिलेगा। तुम लोग पढ़ाया भी तो था सिक्योरिटी लॉ में मुन्नी बॉन्ड्स, हाँ तो पूरा पढ़ो तो 11, सबसे पहले मुन्नी बॉन्ड्स ही पढ़ रहा है सब, और सबसे लास्ट में है, पढ़ो जल्दी पूरा पूरा रट लेना अच्छे से, एग्जाम में आएगा ये। देखो तो खुद से टिक लगाओ तो देखता हूँ तुम लोग कितना टिक लगाने आता है, खुद से कीवर्ड को टिक लगाना सीखो अब। सीधा बिल पे टिक लगा रहा है, या टी बिल, टी बिल का मतलब ट्रेजरी बिल, डेटेड जीसेक, जीसेक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को। चलो जल्दी 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 जल्दी, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जी आई वाला बताया नहीं था तुम लोग को, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, वही सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सरफेसी एक्ट, ये रटना है, रट लिया पूरा कि पहली बार लाइफ में देखा है बस अभी, ठीक है। तो ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इनको अलाउ कर दिया है एफ आई आई, जिसको आजकल क्या बोलते हैं एफ पी आई, वो चाहे तो इनमें डील कर सकते हैं। ये सारे इंडियंस हैं, 11 किसके, इंडियन कंपनीज के या इंडियन अथॉरिटीज के, याद रहेगा। तो डेट का मतलब सिर्फ डिबेंचर ही नहीं होता है, जो मनी मार्केट है वो तो पूरा क्या है, डेट ही है ना। चलो अच्छा, एनआरआई और ओसीआई को बहुत ज्यादा है या कम है, इन लोगों का कम है पूरा पढ़ो तो, इनको कितना है सेव सब मिला के, 4 और 1 5 हो गया, ये भी तो हो गया, सब मिला कितना हो गया 5। चलो बोलो क्या है, 5 बोलो, पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब सुनो, अब यहां तक के बाद ये कहानी खत्म। अब तुम लोग को याद होगा जब फेमा शुरू हुआ था हमारा, तो हाँ एक चार्ट दिखाया था तुम लोगों को, ये गया ये गया ये, याद है। फेमा बेसिकली तीन चीजों से डील करता है, पहला कौन था, डीलिंग एंड होल्डिंग 3 और 4 एंड रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर था क्वैट एंड कैट 5 और 6, तुमको मालूम ही नहीं है जितना अभी तक पढ़े हो ना एफडीआई, सब तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन था, अब खत्म हुआ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, भूल गए, जो तुम्हारा लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट सब आता है तुम्हारा किस में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो पूरा एफडीआई तो इन्वेस्टमेंट ही था, तो अब जाके तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन नंबर 7 और 8 एंड रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसके बाद देखो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक ओडीआई बचेगा एफडीआई का उल्टा। आइए सबसे पहले बताइए यहाँ कौन सा रेगुलेशन लगता है, कौन सा सेक्शन लगता है,
रेगुलेशन का नाम कौन बताएगा? चलिए, एक्सपोर्ट किसको कहते हो? अभी तुरंत तुम लोग कस्टम शुरू किए थे, बताइए एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? भारत के बाहर, भारत के बाहर जब चीजों को ले जाते हैं, चाहे लैंड से ले जाएं, सी से ले जाएं या एयर से ले जाएं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, है ना। अच्छा एक बात बताइए, सॉफ्टवेयर जब भेज